बच्चे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा वीडियो है हॉनर 9 लाइट के ऊपर है। तो इसमें हम सारी ग्राफिक्स और लाइट के बारे में, हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे, इंडलेस सॉल्यूशन जानेंगे गाइस कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। मैं फिर से हमेशा की तरह एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं ये जंपर मार दूंगा, वो जंपर मार दूंगा, यहाँ से ये सोल्यूशन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मैं यहाँ पे आपको पर्टिकुलर पूरा बताऊंगा कि आपको एक एक लाइन और एक एक सप्लाईयों के बारे में यहाँ पे डिटेल करूंगा, जिससे आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपका ग्राफिक्स और लाइट से रिलेटेड कोई भी फोन यहाँ पे नहीं जाना है। तो कोई भी फोन सभी हमारे पास होना 9 लाइट के बारे में, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर विमसी से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोर्डिंग के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको बता दूं इसमें क्या क्या सप्लाइयाँ होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी होती है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपका 110% हो जाएगा। तो ये आपका होना लाइट का कनेक्टर होगा, जो कि इससे क्लियर फोटोज शायद आपको देखने को ना मिले गाइस। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इससे क्लियर फोटोज आपको पीसीबी में भी मैं ना समझा पाऊँ, जिसमें थ्रू मैं यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि सबसे पहले आपको मीपी की लाइन चेक करनी है, डाटा की लाइन चेक करनी है गाइस। सबसे पहले आपको मीपी की लाइन चेक करनी होती है। तो मीपी की लाइन चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जितने पिन दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो मीपी पे यहाँ पे आपका रीडिंग आना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1 2 3, इसको ग्राउंड, ये ग्राउंड होगा, ये पिन पे मेरा ये रीडिंग आनी चाहिए। अगर जीआर हमारा नहीं आ रहा है गाइस, तो जीआर नहीं आ रहा तो डुअल कॉल को चेक करिए। डुअल कॉल के एक सिरे पे रीडिंग आएगी, दूसरे सिरे पे नहीं आएगी। तो आप डुअल कॉल हटा करके जंपर भी मार सकते हैं या डुअल कॉल भी रिप्लेस आप कर सकते हैं। उसके बाद में बात करूँ, ये जो मीपी की लाइन, जो ये मीपी की लाइन होती है, ये आती है हमारी सीपीयू से, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा और सीधा सीधा ये सीपीयू के पैड पे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपीयू के पैड पे ये मीपी की लाइन सारी हमारी जा रही है। तो फर्स्ट में गाइज आपको जो चेक करना था वो करना था यहाँ पे मीपी की लाइन को चेक। मैं यहाँ पे जो भी वीडियो है पूरा इंडलेस आपको देने वाला हूँ, जो भी कंपोनेंट लगे मैं सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद मीपी लाइन चेक करने के बाद आपको जो दूसरा स्टेप चेक करना है गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको ये कैसा लगा है। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि फिर आपको चेक करना है +5 -5, VSN VSP की लाइन चेक करना है। सेकंड में आपको VSN VSP की लाइन चेक करना है। तो ये जो टिप्स आप देख रहे हैं ऊपर से 2 नंबर और 4 नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये VSN और VSP की लाइन है। देख सकते हैं यहाँ पे LCD VSN और VSP की लाइन है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मतलब जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 नंबर हमारी जो इधर से है वो हमारी VSN का है, मतलब हमारा यहाँ पे -5, और यहाँ पे P मतलब प्लस, मतलब +5, और ये -5 की लाइन है। तो गाइस चलिए देखते हैं हमारी ये कहाँ से आ रही है, उसके बीच में क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आगे बढ़ूँ, अगर आगे बढ़ूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड के उस साइड में, मैं अगर बात करूँ, ये हमारा कनेक्टर हुआ, ये हमारा VSN VSP, जो कि एक हमारा कैपेसिटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सीरीज में भी कॉम्पोनेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सीरीज में कॉम्पोनेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पैरेलल में कॉम्पोनेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ये ओपन हो जाएगी तो सीरीज वाले कॉम्पोनेंट को चेक करिए कि आपका यहाँ पे रीडिंग हमारी ब्रेक तो नहीं हो गई, ये कॉइल, ये जो कंपोनेंट है ये ओपन तो नहीं हो गए VSN और BSP की। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे +5 -5 का कैपेसिटर, और ये कि चार्जिंग IC है, DC टू DC IC है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ये चार्जिंग IC और DC टू DC IC है बेसिकली। तो ये वहाँ से आ रही है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आपने मीपी चेक किया, सेकंड में आपने +5 -5 चेक कर लिया। तो ये सारा ट्रैक ओके होना चाहिए, इन पे रीडिंग आना चाहिए, जीआर आना चाहिए। उसके बाद फिर हमारा बचता है रिसेट टेयरिंग की लाइन, और जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, और आईडी की लाइन, और एक मेन जो वोल्टेज की लाइन होती है जो सबसे ज्यादा मिसिंग होती है गाइस, वो हमारा आईओ वोल्टेज का होता है, जैसे कि आप वी आउट का देख सकते हैं। यहाँ पे वी आउट भी लिखा हुआ है 1.8 वोल्टेज के साथ, यहाँ पे +5 -5 आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पिन पे, इधर में आप 4 नंबर के पिन में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 1.8 आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे टीपी बना हुआ है, इस पिन पे रीडिंग आना चाहिए, और यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आना चाहिए, आपको चेक करना है। और ये वोल्टेज कहाँ से आता है, मेन पावर से आता है। और उसके बाद मैं बता दूं कि एक कैपेसिटर देख सकते हैं इसका ये है, तो इस कैपेसिटर से आपका इस वाले पिन पे बीप आना चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस पिन पे 4 नंबर के पिन से, और इस कैपेसिटर बीप आना नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे जंपर मार सकते हैं। अगर रीडिंग भी आ रहा तो एक बार आपको वोल्टेज को चेक करना है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो आप कहीं से भी 1.8 वोल्टेज बाईपास कर सकते हैं, नहीं तो अपना सीपीयू को रिवॉल्व, पावर आईसी को रिवॉल्व कर सकते हैं गाइस। उसके बाद अब आपको बचा आईडी की लाइन, रिसेट की लाइन और टीयरिंग की लाइन।
तो ये देखिए हमारे यहाँ पे जो लाइनें हैं, मैं अगर इस लाइन की बात करूँ तो ये हमारी जो लाइन है ये हमारी आईडी की लाइन है गाइस, और ये सारी लाइनें ये हमारा चार्जिंग ऐसी डीसी टू डीसी ऐसे आ रहा है जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ यहाँ पे, और ये मीपी हमारा सीपीयू से आता है, ये हमारा मेन पावर से आता है 1.8, और बाकी की लाइन सारी हमारी सीपीयू से आएंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आईडी की लाइन में यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सीधा सीधा हम चलते हैं सीपीयू के पास, और सीपीयू नहीं, ये यहाँ पे कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगा है गाइस। अगर यहाँ पे आईडी की लाइन अगर मिस हो जाएगी तो आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जो ये हमारी लाइन है फिर से ID1 की है, देख सकते हैं ID की लाइन ये भी है हमारी, जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं ID1 ID2 दो ID की लाइन है। अब ये जो तीसरी लाइन है हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेट की लाइन और हमारी टेरिंग की लाइन, इसके बीच में यहाँ पे कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगा है, और देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी कॉम्पोनेंट सीरीज या पैरेलल में कोई भी कॉम्पोनेंट लगे हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेट और टेरिंग कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगाया गाइस, मतलब अगर आपके पास ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा गाइस अपने ग्राफिक्स के लिए। अब मैं आपको, चलिए लाइट, आई होप ये आपको अच्छा लगा है वीडियो ग्राफिक्स सेक्शन, अब मैं इसे लाइट को भी कवर कर देता हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए लाइट के लिए गाइस आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पे लाइट की सप्लाई जो हमारी होती है आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, तो लाइट की ये जो पिने आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें आपका रीडिंग आना चाहिए। तो ये देखो पहली पिन की अगर हम बात करें, ये हमारी कैथोड 1 और कैथोड 2 की लाइन है, ये येलो वाली हमारी कैथोड 2 और ये हमारी कैथोड 1, ये दोनों हमारी कैथोड की लाइन है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आ रही है ये IC उसी से आ रही है जो हमने यहाँ पे ग्राफिक्स के बारे में बताया था, DC-DC ये चार्जिंग IC। तो देख सकते हैं कैथोड 1 कैथोड 2, अगर हम कैथोड 1 और कैथोड 2 की बात करें तो इसके बीच में कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगा है, ये डायरेक्ट और डायरेक्ट IC से आ रहा है, मतलब अगर आपका लाइट और ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इस ग्राफिक्स IC DC-DC IC को चेंज करेंगे। उसके बाद जो हमारी लाइन है एनोड की लाइन में यहाँ पे कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगा हुआ है। एनोड की लाइन में अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो देख सकते हैं हमारा कैपेसिटर और उसके बाद हमारा सीरीज में कॉयल, उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे कैपेसिटर, फिर हमारे यहाँ पे हाई वैल्यू का एक रजिस्टर, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा और सीधा ये जा रहा है आपका IC पे डायरेक्ट। ये सारे कॉम्पोनेंट पे आपको चेक करना है गाइस ये लाइट के लिए। और ये हमारी CABC की भी एक लाइन होगी जो CPU से आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं LCD CABC PWM की लाइन जो कंट्रोलिंग की लाइन होती है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इसके बीच में भी कोई कॉम्पोनेंट नहीं लगा है, अगर ये लाइन मिसिंग है तो आपको यहाँ पे CPU पे काम करना होगा। आई होप ये लाइट और ग्राफिक्स मैंने कवर करने की कोशिश की है, फुल पिक्चर वाइज यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है VS YS जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस, यहाँ पे एक हमारी जो सप्लाई है ये जो VS YS की अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं BPAT ये आ रहा है हमारा मेन पावर से, जो कि मिल रहा है इसको चार्जिंग IC को मिल रहा है मेन पावर से। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज गाइस तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सोल्यूशंस कैसे मिले हैं, सारे कॉम्पोनेंट मैंने बताया और सब कुछ एक एक कॉम्पोनेंट चेक करके यहाँ पे मैंने बताया। तो आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच अभी तक के लिए। I'm gonna go to the